हेलो गाइज, मैं हूँ शिवम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वेयर थिंग चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि फ़ैन के कंडेंसर के अंदर क्या होता है। हम इसे ग्राइंडर की मदद से काटेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम अभी इसका कंडेंसर निकाल लेंगे, फिर इसे ग्राइंडर की मदद से काट देंगे। आपको दोनों वायर निकाल लेने हैं। इसको साइड में कर देता हूँ। अभी हम इसे ग्राइंडर की मदद से कट कर लेंगे। आपको इसको कट करते हुए पूरे सेफ्टी का ध्यान रखना है, तभी कट करना है। आप देख सकते हैं मैंने इस साइड से कट किया, पर इस साइड से ये यहाँ पे ये पूरा खाली है। अभी इसको कट करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों वायर है। अब इसको कट करते हैं इधर से, इसके अंदर क्या है देखते हैं आप। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे कट कर दिया है। इसमें कुछ तो है ब्लैक कलर का। हमने जब ये पहला कट किया, ये हार्ड नहीं गया कट करने के लिए, पर ये हमने जब कट किया ये बहुत हार्ड जा रहा था कट करने के लिए। देख सकते हैं मैंने अभी इसे पूरी तरह से सब साइड से कट कर दिया है। अब इसे टेस्टर की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। निकल गया, एक साइड से निकल गया। ये इस साइड से निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल गया। देख सकते हैं आप ऐसा निकला। इसके अंदर एक छोटी सी डब्बी है। इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम लगता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, ये भी ऊपर है। इसका निकलते अभी। लगता है ये कॉइल है, पक्का कॉइल होगी ये। इसको भी निकाल देता हूँ। ये निकल रहा नहीं है, जान दो इसको खोलते। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कॉइल निकली है। ये खुल रहा नहीं, इसलिए मैं अभी इसे कटर से निकाल लूंगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉइल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला दूसरा, सिर्फ ये कॉइल है। इसके वजह से वोल्टेज कन्वर्ट होता है और फैन घूमता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।